हाँ साहब सुनिए साहब गाना, और गाना भी क्या आप रात्रि से सुनते हुए आ रहे हैं। शहीदों के बारे में, बेटियों को जिंदा जला दिया जा रहा है, दहेज के बारे में, लेकिन वास्तव में एक बात रह गई जो बहुत जरूरी है। आजकल की हमारी जो पीढ़ी है वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। आजकल के बच्चे कैसे रहेंगे, सुनिएगा कवि कह रहा है गाने के अंदर, भैया कैसे क्या, और अपने माँ बापों को क्या कहा, और अपने माँ बापों को क्यों अक्सर और लगा देते हैं लोग क्या, और क्यों बुढ़ापे में, क्यों बुढ़ापे में उन्हें घर से भगा देते हैं लोग, के लोभी ये बने। आज का बच्चा अपने माँ बाप से कब तक संबंध रखता है, एक बार निवेदन करूंगी हमारे भैया जी के लिए जोरदार तालियां। जब तक माँ बाप के पास में पैसा होता है, धन होता है, दौलत होती है, क्या धन के लोभी ये बने, लूट धन खाते हैं, धन के लोभी ये बने, लूट धन खाते हैं, जिसने पाला है क्या, और एक से एक रुपए का पुरस्कार। धर्मपाल भैया जी बैंड मास्टर दे रहे हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जिसने पाला है, जिसने पाला है ये उनको ठुकराते हैं, तो कुफर पकते हैं उन्हें, कुफर में से गाली। आज का बच्चा अपने माँ बाप को गाली तक देता है क्या, कुफर पकते हैं उन्हें, और एक से रुपए का पुरस्कार। संतोषी टेलर साहब खुदाना वाले दे रहे हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुफर पकते हैं उन्हें, भूखा रखते हैं उन्हें, कुफर पकते हैं उन्हें, भूखा रखते हैं उन्हें, और देखिए अपने माँ बाप के साथ में एंड में क्या करते हैं, क्या लेके सब दौलत हो, संतोष भाई दे रहे हैं हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लेके सब दौलत, लेके सब दौलत भिखारी सा बना देते लोग, क्यों बुढ़ापे में, क्या क्यों बुढ़ापे में उन्हें घर से भगा देते लोग, क्यों बुढ़ापे और देखिए जिस माने हमारी खातिर न जाने कितने कितने कष्टों को सहा, खुद गीले में सोई लेकिन हमें सूखे में सुलाया, उस माँ के साथ में क्या किया, क्या माँ से पूछा न कभी क्या करता है बच्चा, माँ से पूछा न कभी कितने दुख झेले माँ, पर बरस की जो पिता कितने दुख पेले हाँ, क्यों माँ कितनी रात जगी,
फिर से 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे संतोष भाई दे रहे हैं, हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या माँ कितनी रात जगी, हाँ तेरे साथ जगी। और देखिए हमारे हाथरस वाले एक बात कहते हैं, क्या वो घर बेकार के होते हैं, क्या कहते हैं वो घर बेकार के होते हैं, जिस घर में ना हो घरवारी वो घरवारी बेकार की है, जबकि गोद में ना है लाला लाली। ओए लाला लाली बेकार के हैं, क्या लाला लाली बेकार के हैं, और जिन होते ही आ जाए कंगाली, और हो वो कंगाली बेकार की है, जग बिक जामे लोटा खाली, जग बिक जामे लोटा खाली। माँ कितनी रात जगी, हाँ तेरे साथ जगी, लेकिन दूध का कर्ज भैया, दूध का कर्ज अपनी माँ का फुला देते लो, तुम तो दे ही देना है, दूसरे दे रहे तो इन्हें रुपया दे दियो कहा। और ये 500 रुपए का पुरस्कार, अच्छा 400 है गे? अगली बार 100 देंगे, वो पता वो 500 ही है ना, कोई बात नहीं। 500 रुपए का पुरस्कार, अच्छा वापस, अच्छा दोबारा देंगे, चलो 400 रुपए का पुरस्कार हमारे संतोष भाई साहब दे रहे हैं, हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। कहा खातिर औलाद की वो, देखिए केवल एक संतान की खातिर माँ बाप क्या क्या करते हैं, क्या खातिर औलाद की वो दर बदर डोले थे, किस लिए सिर्फ सुख तुझ में, सिर्फ सुख तुझ में बेटा वो ये डोले थे। क्या सुख देखा था, क्या सुख से हमें रोटी मिले, सुख से हमें रोटी मिले, बारी फुलवारी खिले। लेकिन माँ बाप ने जो सपना देखा, बच्चे क्या करते हैं, उनके सपनों को क्या, उनके सपनों को मिट्टी में मिला देते लो। और देखे लास्ट बंद, केवल 1 मिनट, जब बेटा घर में एक होता है, संतोष भाई बेटा घर में एक होता है, तो बेटा अगर सुपात्र हो, सुपुत्र हो, तो 7 पीढ़ियों को तार सकता है। अगर एक ही बेटा कुपुत्र निकल आए, तो 7 पीढ़ियों की बदनामी करा देता है। और जब पुत्र कुपुत्र निकल आता है, तो वही माँ बाप क्या कहते हैं, क्या ऐसी औलाद से तो, क्या कहते हैं 1 मिनट सुन लियो, ऐसी औलाद से तो बिना औलाद सही, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी कहते हैं जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, और लाही तो तू बाज रहे काए गवावे नूर। जब कहा ऐसी औलाद से तो, और 51 रुपए का पुरस्कार बूढ़ा राम जी मीणा दे रहे हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी औलाद से तो बिना औलाद सही,
देवेंद्र शर्मा ये दुख ना कभी हो वे कहीं तो सेवा जो तू करे। देखिए जिस बच्चे ने या जिस बच्ची ने अपने माँ बाप का आशीर्वाद ले लिया भगवान ही उसका बाल वाका नहीं कर सकता। क्या सेवा जो तू करे खुशियों से घर तेरा भरे बिना